वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट। माय नेम इज संदीप नागरानी और आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। जहां कुछ दिन पहले चिलचिलाती धूप हुआ करती थी, वहीं अब मूसलाधार बरसातें हैं। खुशनुमा मौसम है, मानसून का मौसम है। इस बदलते हुए वक्त में मुझे कहानी याद आ गई। बचपन में पढ़ी हुई कहानी आप सबने भी पढ़ी होगी, चींटी और टिड्डे की कहानी। कहानी यह है, एक चींटी थी, उसका एक दोस्त ग्रास ऑफर। चींटी बड़ी मेहनती थी, टिड्डा बिल्कुल उल्टा था। चींटी दिन रात मेहनत करती और टिड्डा दिन रात नाचता गाता, खाता पीता और मौज करता। और वो चींटी से पूछता भी था, भाई तुम इतनी मेहनत कर किसके लिए रही हो, क्यों दिन रात लगी रहती हो? चींटी कहती, मैं बुरे दिनों के लिए बचत कर रही हूँ। टिड्डा हंसता, कहता बुरे दिन है ही नहीं, मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, तो इतनी मेहनत करने का मतलब क्या? मगर चींटी अनसुनी करके अपने काम में लगी रही। खैर वक्त बदला, बरसातें आईं, सर्दियां आईं और चींटी आराम से बैठकर अपना काम चलाती रही, खाती पीती रही। और वहीं टिड्डा द ग्रास ऑफर वो ठंड में ठिठुरता रहा, कांपता रहा। और तब वो समझा चींटी का मतलब क्या था। वॉट Did the ant want to say when she used to say make hay while the sun shines? हमें हमेशा बुरे दिनों के लिए बचत करनी चाहिए, save for rainy days. देखिए वक्त हमेशा एक साथ नहीं चलता, वक्त दिन रात बदलता है। बातों में मैंने कहा दिन रात, यही वक्त बदल गया, कभी दिन कभी रात। साल में कई मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे दिन होते हैं। यू मे नीड मनी फॉर मे बी यू कैन से कभी घर में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कभी आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए, कभी घर में रिनोवेशन करवाना है, तो यू नीड इमरजेंसी कॉर्पस, यू कुड नीड इमरजेंसी कॉर्पस एट एनी टाइम। अब लोग पूछते हैं सर इसको सेव कैसे करें, इसको हम तीन बकेट्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड, हमेशा याद रखिए आपके पास तकरीबन तीन चार हफ्ते का पैसा कैश में अवेलेबल होना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले, 5-6 साल पहले चेन्नई में जबरदस्त फ्लड्स आए थे, मूसलाधार बारिश पड़ी थी एंड पीपल डिडंट हैव एक्सेस इवन टू देयर एटीएम्स। व्हाई? बिकॉज एटीएम्स वर नॉट वर्किंग, इवन ई वॉलेट्स वर नॉट वर्किंग। लोगों के पास पैसा तो था मगर उस पैसे का एक्सेस नहीं था, तो लोग दूध और ब्रेड तक को तरसते एंड पीपल लिव्ड ऑन क्रेडिट फॉर 4-5 days। हालांकि ये वक्त ज्यादा नहीं चला बट इट वॉज वेरी टाइम। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू शुड ऑलवेज हैव 3-4 weeks ऑफ कैश इन हैंड, नंबर वन। नंबर टू, यू शुड ऑलवेज हैव अराउंड 3 months ऑफ एक्सपेंसेस सेव्ड अक्रॉस डिफरेंट सेविंग्स बैंक अकाउंट वेयर द मनी इज रेडीली एक्सेसिबल टू यू। अगर आपको लगता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम है, चाहे तो ऑनलाइन FDs भी कर सकती है। That online FDs इसलिए because those could be readily broken. अगर वो online FDs नहीं है और offline FDs हैं तो आप emergency में पैसा शायद नहीं निकाल पाए। आपको emergency आज है और आज अगर संडे है तो आप 24 घंटे तक तो कम से कम वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। So always have 3 months of expenses either in spread across savings bank account or online FDs or if you want you can also have sweep in FD, जहाँ पैसा immediately निकाल सके। This was second option. Third option, you can have around 4-5 months of savings in liquid funds or ultra short term funds. अगर आपने ये तीनों buckets बना के रखी हुई हैं, so you can easily tide over difficulties. देखिए life में वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त keeps on changing. हम देख रहे हैं COVID में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, jobs are getting unstable. या सैलरीज कम हो गई हैं, तो जिन लोगों ने बचत करके रखी है दे आर एबल टू टाइड ओवर दीज डिफिकल्टी। एंड सेविंग फॉर इमरजेंसीज इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड माय सजेशन इज इवन बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स हैव इमरजेंसी कॉर्पस इन प्लेस। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।